इसराइल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अब सभी इसराइल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि इसराइल पलटवार करता है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। ऐसे में अब ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि इसराइल और ईरान भी शांति दूत भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। यही वजह है कि भारत में इसराइल और ईरान के राजदूतों ने युद्ध में भारत की भूमिका पर खुलकर बात की। भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन अजार से जब सवाल पूछा कि क्या भारत क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भूमिका निभा सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि ये भारत को तय करना है। कूटनीति हमेशा काम करती है। हमने शुरू में राजनयिक चैनलों के जरिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने काम नहीं किया। कभी कभी जब चरमपंथी शासन होते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए, प्रभावी होने के लिए इसे दृढ़ता से निपटना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसराइल का वो परम मित्र है। भारत से यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर बनकर रहेगा। वहीं भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि वो मानते हैं कि भारत मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संबंध इसराइल से अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, इसराइल के साथ इसके अच्छे संबंध है और जैसा पीएम मोदी ने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, हम ईरान में भी इसे मानते हैं। लेकिन एक देश अगर दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो वो देश और क्या कर सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जिसके ईरान और इसराइल के साथ घनिष्ठ संबंध है, वो इसराइल को क्षेत्र में अपनी क्रूरता को रोकने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। आपको बता दें, हमास के हमले के बाद से ही इसराइल आक्रामक है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले हमास फिर हिजबुल्ला को खत्म करने का प्लान बनाया। इसराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर किया, इसके बाद लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला कमांडर नसरल्ला को मौत के घाट उतारा। इससे गुस्साए ईरान ने 2 दिन पहले इसराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया था। ताबड़तोड़ हवाई हमले में ईरान ने करीब 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसका वहां के एयर डिफेंस सिस्टम में जवाब दिया। आयरन डोम समेत अन्य इजरायली डिफेंस सिस्टम ने 180 से ज्यादा मिसाइलों को जमीन पर गिरने से रोकने का दावा किया। कुछ मिसाइलें ही जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज एक बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समय और जगह वो खुद तय करेंगे। नेतन्याहू की यही धमकी पूरी दुनिया को डरा रही है, क्योंकि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा सकता है, जिसमें भारत की भूमिका शांति दूत की होगी। अब देखना यह होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा।